हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक नई वीडियो के साथ देखो, हमारे पास एक LCD 32 इंची सोनी की ये PFC सप्लाई है। देखो ये PFC सप्लाई है, जिसमें देखो यहाँ जैसे 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट और 12 वोल्ट पैनल के लिए और 24 वोल्ट निकलते हैं, 24 से लेके 25 भी आ सकते हैं। 24 वोल्ट सप्लाई आएगी तुम्हारे इन्वर्टर के लिए। ये सप्लाई इन्वर्टर की है, यहाँ ये मदरबोर्ड की सप्लाई है। इधर इधर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट निकलेगी या फिर और 12 वोल्ट निकलेगी इधर। और इसका देखो क्या है कि मैं इसे इधर से बताता हूँ आपको। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, आपको ये सप्लाई आपको डायरेक्ट अगर प्लग लगा देते हैं, हम इसमें प्लग लगाएंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा कि क्या कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी इसमें सप्लाई दे रहा हूँ, देखो पहले AC सप्लाई में मैं कर लेता हूँ इस मीटर को और यहाँ इसको लगाता हूँ, देखो आपके सामने, ठीक है। तो मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ और देखो ये हमारी AC सप्लाई यहाँ आ चुकी है। AC सप्लाई आएगी और इससे पता लगेगा कि हाँ, यहाँ तक वोल्टेज हमारे ओके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि DC में जाना है और कुछ नहीं करना है आपको। पहले हमें यहाँ जो मदरबोर्ड के लिए स्टैंड बाई वोल्टेज होते हैं उनका पता करना है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है सब, इस VYBY 3.3 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ है यहाँ। जैसे पावर ऑन यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा 12 वोल्ट लिखे हुए हैं, ऐसे करके सब यहाँ ये इस पर लिखा हुआ है, सब दिखाई दे रहा हुआ। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि हमें क्या करना है। पहले ये ज़रूरी है, आपको ये ज़रूरी देखेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमें क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको इसमें 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आपको चेक करने हैं कि कहाँ मिल रहे हैं। देखो और दोस्तों, देखो मैं आपको पहले सबसे पहले इसमें एक सप्लाई आएगी और वो उसी सप्लाई को पहले यहाँ से देख करके आपको पता लगाना है कि सप्लाई वो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ ही नहीं रही है तो पहले आपको ये 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट सप्लाई आपको क्लियर करनी पड़ेगी देखो अब हम यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ भी 3.3 वोल्ट। अब देखो यहाँ लिख रहा है यार, देखो दिखाई दे रहा होगा ये ऑन, पावर ऑन, तो इस जगह पे कोई वोल्टेज नहीं होते हैं। यहाँ हमें 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट देंगे जब ये सप्लाई हमारी और जो भी सप्लाई है वो सारी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखो, और एक और चीज़ है इसमें, जैसे यहाँ ये फिल्टर लगा होता है, ये तो फिल्टर लगा हुआ होता है तो उस पर हमारे जो वोल्टेज आएंगे वो यहाँ आपको पता लग जाएगा ये वोल्टेज आ रहे हैं। मगर ये हम अभी इतने आ रहे हैं, मगर अभी ये वोल्टेज जब बढ़ेंगे, जब हमें यहाँ स्टैंड बाई में ले जाएंगे, ये हमारे करीब करीब 400 के आसपास हो जाते हैं, 394 हो जाएँ, 390 भी हो सकते हैं, इतने कम से कम इतना वोल्टेज आ जाएगा। अब देखो मैं यहीं आप लोग पहले बूस्टअप चेक करता हूँ, बूस्टअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि तीन सप्लाई में बटी होती है ये सप्लाई। और देखो 3.3 वोल्ट और देखो दोस्तों, मीटर की तरफ भी ध्यान रखना है आपको, मल्टीमीटर की तरफ। मैं ये 3.3 वोल्ट और पावर ऑन दोनों को टच करता हूँ, देखो ये हमारी बूस्टअप हो गई है। तो बूस्टअप होने के बाद में क्या होगा, मैं इस पर जंपर मारूँगा अभी, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पहले मैं इसमें जंपर मार लेता हूँ, दोस्तों देखो अब हम ये जंपर मार के अब आपको दिखा दें। जंपर मार दिया इस जगह पे, देखो ये 3.3 वोल्ट हमने इसमें दे दिए हैं। अब देने के बाद में इसमें क्या होता है कि एक तो मदरबोर्ड के लिए वोल्टेज निकलते हैं 12 वोल्ट और एक पैनल के लिए टीकॉन के लिए, देखो टीकॉन BCC टीकॉन लिखा हुआ है इस जगह पर, तो यहाँ ये वोल्टेज होते हैं, ये डायरेक्ट पैनल के लिए जाते हैं। ये देखो
पहले हम इसे देखो 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट सप्लाई आ चुकी है। देखो अब हम देखेंगे यहाँ जो हमारे इन्वर्टर चलाने के लिए 24 वोल्ट, तो यहाँ भी देखेंगे। अब देखो ये 25.6 आ रहे हैं वोल्ट हमारे, 24 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारी सप्लाई ये भी काम कर रही है। और दोस्तों देखो अब जैसे हम इसे तो लगा देंगे, मगर इस तरीके से ये बैक लाइट, अब जैसे हमारे पास मदरबोर्ड जिसका फेल हो चुका है, और मदरबोर्ड फेल हो जाएगा तो इसमें क्या करना होगा कि इसके लिए अलग से यहाँ हमारे यहाँ देखो ये इस जगह पे जो वोल्टेज दिए हैं, इस जगह पे हमें 3.3 वोल्ट और देना पड़ेगा जब हमारी बैक लाइट काम करेगी, LCD या हो या LED हो, कोई भी हो, उसमें जब तक ये हम जम्पर नहीं यहाँ मारेंगे जब तक ये वोल्टेज नहीं आएंगे, और जब जब मारेंगे जब उसी टाइम में यहाँ भी वोल्टेज आएंगे। देखो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, मगर इसको भी हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ भी ये वोल्टेज आ जाएंगे ठीक होने के लिए। और अब यूनिवर्सल बोर्ड के लिए तो यही इसी से काम हो जाएगा आपका, ज़रूरी नहीं है क्या करना है। और देखो यहाँ भी वोल्टेज जो मैं बता रहा था 400 वोल्टेज के आसपास, ये भी वोल्टेज आ रहे होंगे। अब देखो 394 वोल्ट ये भी आ गए। इसका यही है कि ये PFC सप्लाई में ये ज़रूरी है कि ये जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ ये बूस्ट करके इतने वोल्टेज हो जाते हैं ये, और ये बूस्ट नहीं होंगे तो फिर आपको ये सेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा फिर क्या करें क्या नहीं करें। और ये वोल्टेज आपको 24 वोल्ट ये भी मिल गए, ये 12 वोल्ट यहाँ से भी, अगर इसे नहीं लगाएंगे तो ये कोई सप्लाई ये नहीं निकाले, केवल 3.3 वोल्ट आती जाएगी। अगर ये नहीं आती है तो फिर ये सप्लाई आपको चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले।